दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के इस वीलू का पार्ट 8 में, जहां पे मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूं कि एक्सेल में काम करते वक्त आप लोगों का एरर से सामना ना हो, ऐसा तो एक यूज़र से भी नहीं हुआ रहेगा। डेफिनेटली मैं आपको बोल सकता हूं कि डेली बेसिस में जब आप लोग एक्सेल के ऊपर काम करते हो और मल्टी लेवल पे फंक्शंस का यूज़ करते हो, मतलब बड़े बड़े फंक्शंस को कंबाइन जब आप लोग करते हो, जैसे 4 से 5 फंक्शंस को एक साथ कंबाइन करके आपको रिजल्ट निकालना होता है, तो डेफिनेटली ये एरर्स का सामना आपको करना पड़ता है। इनसे आप रूबरू होते हैं, रूबरू का मतलब होता है दोस्तों मिलना होता है, जान पहचान अच्छे से बढ़ जाती है। अरे यार ये साला फिर से एरर आ गया करके कभी कभी तो गुस्सा भी आता है कि साला ये एरर आता क्यों है। लेकिन दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक्सेल में जितने ज़्यादा एरर्स आएंगे उतना ही आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, वो इसलिए क्योंकि मालूम पड़ता है कि हमसे कहाँ गलती हुई है, तो हम लोग क्या करते हैं तुरंत जा करके उस गलती को वहाँ पर सुधारते हैं। तो ऐसे आप लोगों को कितने एरर्स देखने के लिए मिलेंगे, तो दोस्तों ऐसे आप लोगों को 1 से लेकर 9 तक अलग अलग एरर देखने के लिए आपको मिलेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं कुछ नाम आपको बताता हूँ, जैसे एग्जाम्पल के लिए हैश नॉट अवेलेबल एरर, हैश वैल्यू एरर, हैश रेफरेंस एरर, हैश नेम एरर, तो ऐसे करके टोटल आप लोगों को 9 अलग अलग एरर देखने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों अगर आपको भी फ्यूचर में कभी भी एक्सेल में काम करते वक्त ऐसे 9 अलग अलग एरर्स का सामना करना पड़े तो आप लोग तो एकदम परेशान हो जाओगे कि भाई अभी मैं क्या करूं, मतलब कैसे होगा करके। तो मतलब आप अगर ऐसे कुछ सोचते बैठोगे तो सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस प्रॉब्लम का बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है। इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है और उसकी लिंक अब आपको कहाँ मिलेगी, ऊपर आई बटन में देखने के लिए मिलेगी। दोस्तों आई बटन कहाँ पे, वहाँ पे आपको देखने मिलेगी और लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है। तो जा करके सबसे पहले आप लोगों को उस वीडियो को भी चेकआउट करना है, उसके अंदर मैंने डीपली ये बताया है कि कौन कौन से एरर्स आते हैं, आप उन्हें कैसे करेक्ट कर सकते हैं, क्या आपसे गलती होती है, ये डेटा में कोई गलती होती है या किसी फंक्शन फॉर्मूले में कोई गलती होती है, उसके अंदर आपको हर एक चीज़ डिटेल में देखने के लिए मिलेगी। तो वो जल्दी से जा करके आप वीडियो को चेकआउट करके ले लीजिए। लेकिन अब ये एरर्स का और वी लुकअप का इन दोनों का क्या लेना देना है, इनका क्या कॉम्बिनेशन है, चलिए वो मैं बताता हूँ। देखिए एक्सेल में काम करते वक्त अगर आप सब सही तरीके से कर रहे हो लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई एरर आता है तो वहाँ पे आपको देखने मिलता है हैश नॉट अवेलेबल एरर, हैश वैल्यू एरर, हैश रेफरेंस एरर, ऐसे कुछ एरर आपको देखने मिलते हैं। तो अगर आपको लगता है कि नहीं सर मैंने बिल्कुल सब सही किया है करके, लेकिन हो सकता है कि उस टेबल में वो वैल्यू अवेलेबल ना हो, या आपने जो वैल्यू एंटर किया जिसके बारे में आप फाइंड आउट सर्च करना चाहते हो, कोई भी फंक्शन की मैं बात करूँ, ऐसा नहीं एग्जांपल में वी लुकअप की, कोई भी फंक्शन की मैं बात करूँ, अगर उस वक्त भी अगर आप लोगों को ये एरर आता है तो ये तो एक्सेल की तरफ से आता है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी तरफ से भी कोई मैसेज आए तो एक्सेल के अंदर एक ऐसा फंक्शन है जिसमें आप अपना खुद का मैसेज वहाँ पे एंटर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना है कि एक्सेल में एक ऐसा भी फंक्शन आपको देखने मिलेगा जहाँ पर आप अपना खुद का मैसेज वहाँ पर बताओगे, वही मैसेज वो वहाँ पर हाईलाइट करेगा। अभी कैसे पॉसिबल है, तो एक काम करते हैं जल्दी से बढ़ जाते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। दोस्तों यहाँ आइए, ज़रा वापस ज़रा यहाँ पे आइए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि वी लुकअप की कंटिन्यू सीरीज़ आगे बढ़ते जा रही है और उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई और उसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है। तो बराबर सीरीज़ वाइज हर एक वीडियो को देखते हुए आइए और हर एक वीडियो पे सभी वीडियोज़ की मैं बात करूँ दोस्तों, कोई वीडियो को छोड़ना नहीं है, दिल से आपका लाइक, दिल से कमेंट और हर एक वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करना है। और चैनल पर अगर नए मेहमान हैं तो बिना सब्सक्राइब किए और घंटी बजाए आपको नहीं जाना है। चलिए अब एक काम करते हैं, उस एरर की तरफ बढ़ जाते हैं। दोस्तों अब यहां आइए, दोस्तों जैसे कि अभी आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं डेटा मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे मैंने मेंटेन करके रखा है, तो फिर चलिए जल्दी से इस डेटा के ऊपर जो है वी लुकअप अप्लाई करते हैं। तो वी लुकअप अप्लाई करने के लिए मुझे हेडिंग्स को सेलेक्ट करना होगा, तो उसके लिए माउस और कीबोर्ड दोनों में से कोई भी एक यूज़ कर सकता हूँ, आपको जो ईजी कम्फर्टेबल लगे आप उसका यूज़ कीजिए। तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो करके सभी हेडिंग्स को सेलेक्ट कर लिया है, कीबोर्ड में कंट्रोल सी से कॉपी करूँगा, साइड में क्लिक, होम टैब में पेस्ट के ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करके ट्रांसपोज और लेफ्ट अलाइनमेंट पे वहाँ पे क्लिक करूँगा। देखिए दोस्तों अगर आपने इसके पहले के पार्ट में हर एक चीज़ को ध्यान से नोटिस किया तो मैंने आपसे ये कहा था कि एम्प्लॉय आईडी, रोल नंबर, सीट नंबर, जो भी आपके पास में डेटा रहे उस टाइम पे आप एक काम कीजिए, बार बार टाइप करने से अच्छा है कि आप लिस्ट क्रिएट करके लीजिए। लिस्ट का बेनिफिट क्या होता है, जो वैल्यू आप बताएंगे और वो लिस्ट में जितनी वैल्यू रहेगी वो बराबर उसी का आंसर वहाँ पर दिखाएगा। लेकिन इस पार्ट में आपको ध्यान रखना है कि लिस्ट क्रिएट ना करें,
अगर आपने लिस्ट क्रिएट किया तो वहां पे मुझे एरर जो चीज आपको दिखाना है वो लिस्ट में देखने के लिए आपको नहीं मिलेगी। तो इस पार्ट में मैं बिना लिस्ट क्रिएट करे आपको वो एरर क्या आता है और उसका सॉल्यूशन किस तरीके से रहेगा वो चीज मुझे आपको बताना है। तो लिस्ट मैं यहाँ पे क्रिएट नहीं करूंगा, मैनुअल हाथ से वहां पे एम्प्लॉय आईडी जो है एंटर करूंगा। तो कोई एक एम्प्लॉय आईडी मैंने वहां पे ले लिया 1014। तो चलिए अभी यहाँ पे इक्वल वीएल लिख के टैब बटन की प्रेस करेंगे। लुकअप वैल्यू में उस सेल को सेलेक्ट करना है जिस सेल के अंदर आपने वैल्यू बताया जिसके बारे में आपको फाइंड आउट करना है, वो है 1014। नेक्स्ट कॉमा करेंगे, कॉमा करने के बाद टेबल एरे में ये वैल्यू कौन से टेबल में, उस पूरे टेबल को सेलेक्ट करेंगे। कॉलम ए पे मैंने क्लिक किया, कीबोर्ड में कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो करके पूरे कॉलम्स को कॉलम ए से लेके एफ तक मैंने सेलेक्ट किया। नेक्स्ट कॉमा करूंगा और यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर जो है मैनुअल हाथ से एंटर नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे रो फंक्शन अप्लाई करूंगा, रो फंक्शन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। अगर आप ये रो फंक्शन के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसके पहले के पार्ट में हर एक चीज़ मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की, उसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जा करके चेकआउट कीजिए कि यहाँ पे रो फंक्शन जो है किस तरीके से काम करता है। अभी मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, कॉमा जीरो ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। ये होने के बाद अब आप लोग देख सकते हैं 1014 पे वहाँ पे आकाश दीप मोरे बराबर यही है, यस बिल्कुल सही जवाब दिखाई दे रहे हैं, वही आंसर आपको वहाँ पे आ रहा है। लेकिन इसमें भी अभी कुछ करेक्शन आपको करना है, तो कॉलम आई और कॉलम जे के बीच में यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ ऑटो फिट कॉलम विथ के लिए और F2 करके लुकअप वैल्यू सिलेक्शन ये जो है अपनी जगह से मूव ना हो तो F4 करके हम उसे फिक्स रेफरेंस वहाँ पे दे देते हैं और कॉर्नर पॉइंट को पकड़ के वहाँ पे ड्रैग करेंगे। तो आप देख सकते हैं सबका आंसर वहाँ पे आपको बराबर देखने मिल रहा है। मैं इतने रेंज को सेलेक्ट करके यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स अप्लाई करता हूँ, परफेक्ट। तो अभी आप देख सकते हैं 1014 आईडी पे जिस एम्प्लॉय की डिटेल से वहाँ पे आपको बराबर रिकॉर्ड देखने के लिए मिल रहा है। और अगर मैं वहाँ पे चेंज करता हूँ, जैसे मुझे 1015 के बारे में जानना है तो देखिए वहाँ पे बराबर डिटेल्स आ रही है। अगर मुझे वहाँ पे 1010 के बारे में जानना है तो भी डिटेल्स बराबर आ रही है। लेकिन अगर मैं वहाँ पे कुछ चेंजेस करता हूँ, जैसे एग्जांपल जो नंबर यहाँ पे नहीं है उसके बारे में अगर मुझे वहाँ पे कुछ एंटर करना है, जैसे मैंने एंटर किया वन, ओनली सिर्फ वन एंटर किया, तो देखिए वहाँ पे एरर आ चुका है, हैश नॉट अवेलेबल एरर। तो अभी ये जो एरर आया है वो क्यों आया है, क्योंकि ये जो एम्प्लॉय आईडी ओनली वन है वो वन यहाँ कहीं पर भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर होता तो उसका रिकॉर्ड आपको ये आ जाता। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एम्प्लॉय आईडी गलत एंटर किए इसलिए यहाँ पे रिकॉर्ड आ रहा है हैश नॉट अवेलेबल एरर। लेकिन ये एक्सेल की तरफ से आ रहा है तो मैं ये चाहता हूँ कि वी लुकअप के साथ मैं एक और फंक्शन को यहाँ पे कंबाइन करूँ, नेस्टिंग करूँ, जिससे क्या होगा मैं वहाँ पे जो मैसेज मैं चाहता हूँ वो वहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो एक काम करते हैं, देखें यहाँ पे F2 करेंगे, जहाँ पे मैंने पहला फंक्शन अप्लाई किया था मैंने यहाँ पे F2 किया, वी लुकअप से पहले देखें यहाँ पे इक्वल के बाद जो है इफ़ एरर फंक्शन को यहाँ पे कंबाइन करना है, इफ़ एरर फंक्शन को। तो लेकिन ये यहाँ पे डायरेक्ट कंबाइन करने से पहले एक बार ज़रा मैं साइड में बता तो दूँ ये कैसे काम करेगा। इक्वल देखें इफ़ एरर, यहाँ पे आपको सिंटैक्स मैसेज के अंदर दो आर्ग्यूमेंट्स देखने मिलेंगे, पहला है वैल्यू, दूसरा है वैल्यू इफ एरर। मतलब आप वो वैल्यू बताइए, ओके वो वैल्यू आपको बताना है और उसके बाद में आप मैसेज बताइए कि क्या एरर आप वहाँ पे बताना चाहते हैं। तो मैं काम करूँगा, देखिए ये तो मैंने यहाँ पे वी लुकअप फंक्शन अप्लाई कर लिया, तो मैं यहाँ पे इक्वल इफ एरर फंक्शन को कंबाइन करूँगा और ये मेरी रहेगी वैल्यू, ये मेरी क्या रहेगी, ये पूरी की पूरी जो है यहाँ पे जो वी लुकअप फंक्शन है ये पूरी वैल्यू रहेगी। नेक्स्ट कॉमा करूँगा और कॉमा करने के बाद में वैल्यू इफ़ एरर, ओके। तो यहाँ पे आप क्या चाहते हैं, अगर आपको वहाँ पे एरर आया तो आपका मैसेज क्या आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एंटर करूँगा शिफ्ट को प्रेस करके डबल इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पे मैं मैसेज एंटर कर दूँगा रॉन्ग एम्प्लॉय ये देखिए आईडी एंटर, ये मैंने इस तरीके से लिख दिया रॉन्ग एम्प्लॉय आईडी एंटर, ओके डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज करेंगे और उसके बाद अब कर देता हूं मैं एंटर। जैसे मैंने एंटर किया तो लेकिन ये एक ही जगह अप्लाई हुआ बाकी जगह अप्लाई नहीं हुआ है, तो मैं वहां पे करूंगा कॉर्नर पॉइंट पे डबल क्लिक। तो अब आप देख सकते हैं वहां पे लिखा है रॉन्ग एम्प्लॉय आईडी एंटर, तो जो मैंने एम्प्लॉय आईडी वहां पे एंटर किया है वो गलत है, ओके। तो यहां पे लास्ट नंबर है 1027, तो अगर मैं 1027 करता हूं तो देखिए बराबर रिकॉर्ड आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 1028 करता हूँ तो यहाँ पे क्या लिखा आएगा, रॉन्ग एम्प्लॉय आईडी एंटर। तो देखा आप लोगों ने, इस तरीके से आप लोग जो है कर सकते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पे मैंने वी लुकअप और इफ एरर को दोनों को साथ में कंबाइन
कंबाइन किया है और दोनों बराबर मुझे वहां पे रिजल्ट भी निकाल के दे रहे हैं। और याद रखिए यहां पे ये जो मैसेज है, मैसेज आपको जो एंटर करना है कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसी के रिगार्डिंग रहना चाहिए। इसी के रिगार्डिंग रहेगा तो कैसा है कि समझने में आसानी होती है। अगर आपको कुछ और फनी भी लिखना रहेगा आप फनी भी लिख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए ये देखिए, अगर आपको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, गलत एम्प्लॉय आईडी टाइप की, ये देखिए की कौन सा की लिखना है, के आई वाला लिख देते चलिए। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं इस तरीके से भी लिखूँ तो अभी आप देख सकते हैं वहाँ पे गलत एम्प्लॉय आईडी टाइप की करके आपको जो लिखना है वहाँ पे मैसेज आपको दिया है, आप इजीली वहाँ पे लिख सकते हैं कि क्या है, या फिर ये आदमी हमारा नहीं है ऐसा फनी भी लिख सकते हैं, ये आदमी हमारा लिखिए दोस्तों, कुछ और ना लिखिए, हमारा नहीं है, तो ऐसे आप लिख देंगे। ओके चलिए मैंने वहाँ पे लिख दिया बड़े प्यार से, और अब कर देते हैं एंटर। तो देखिए यहाँ पे लिख के आएगा, ये आदमी हमारा नहीं है, या ये आदमी हमारे इस कंपनी में काम नहीं करता, जो आपको मैसेज लिखना रहेगा लिखिए। तो इफ़ एरर वहाँ पे बहुत ही अच्छा काम करता है और ये सभी फंक्शन के साथ मैच करता है, आपको जो मैसेज वहाँ पे बताना रहेगा आप इजीली वहाँ पे बता सकते हैं, है ना कमाल की बात ये। दोस्तों देखा आप लोगों ने इफ़ एरर जो है वी लुकअप के साथ किस तरीके से दोनों ने साथ में मिलकर काम किया और मुझे बराबर से वहाँ पे रिजल्ट निकाल के दिया। जो एम्प्लॉय आईडी था उसका रिजल्ट आ गया, और जो नहीं था वहाँ पे फनी मैसेज भी बता सकते, और अगर आपको कोई सीरियस मैसेज भी बताना रहेगा तो वो भी आप बताना चाहो तो बता सकते, वो आपके ऊपर डिपेंड है। और इफ़ एरर फंक्शन जो है सभी फंक्शन के साथ में कंबाइन काम करता है, वो वैल्यू अवेलेबल है तो रिजल्ट देगा, अगर नहीं है तो उसका वहाँ पर आंसर वो नहीं देगा, और इफ़ एरर में जो मैसेज आपने सेट किया था वो वहां पे आपको हाईलाइट करेगा, तो है ना कमाल की बात ये। तो आप इसकी ध्यान से एकदम प्रैक्टिस कीजिए, और दोस्तों दिल से सभी वीडियोस पे आपका लाइक कमेंट, सभी वीडियोस आपको अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करना है, और अगर आप चैनल पे नए मेहमान हैं तो बिना सब्सक्राइब किए और घंटी बजाए नहीं जाना है। अब मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट ऐसे ही ऑसम वीडियोस के साथ में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए।